कॉस्मोस 2011 का एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि MIUI 12 के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको काफी पावरफुल कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और काफी इंप्रेसिव फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस रोम से रिगार्डिंग, कि आपको क्या कुछ नया मिल जाता है और अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हो तो आपको कौन कौन से बग्स देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें ताकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूँ इस रोम से रिगार्डिंग, कि क्या कुछ आपको नया और इंप्रेसिव सा देखने को मिल जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं MIUI 12 के कॉस्मोस 2011 के बारे में, जो कि लेटेस्ट बीटा वर्जन 20.5.21 के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच 2025.5 का देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 देखने को मिलता है, क्योंकि एक पोर्ट रोम है जहाँ पे एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। वहीं पे जो एक्सटेंडेड का कर्नल यूज किया गया है, जो कि आपको काफी अच्छा डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। मैं 4G वाला फिलहाल वर्जन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको कई सारे हैंडल देखने को मिल जाते हैं सोशल मीडिया के। वहाँ पे फैक्ट्री रिसेट, MI मूवर, बैकअप और रीस्टोर भी देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क और कनेक्टिविटी भी आते हैं तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है उन यूजर्स के लिए जो कि अदर सेलुलर यूज करते हैं और चाहते हैं कि उनका नेटवर्क लॉक रहे एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ओनली 4G, 3G और 2G का ऑप्शन मिलता है और बाकी प्रीफर वाले भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको कॉस्मोस की ओर से नया एडवांस फीचर देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बैक आउट टाइम, जो कि आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको जो वही सारे ऑप्शन जो कि नोटिफिकेशन और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे ऑनर इन्फो में कुछ लिमिटेड टेक्स्ट के इनपुट देखने को मिल जाते हैं, यानी अनलिमिटेड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ही वर्ड तक आप जो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है तो आपको यहाँ पे जो एडवांस डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इंडिविजुअल ऐप वगैरह आता है, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। और ये पहला मुझे अपडेट मिला पोर्ट रूम का जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे रीडिंग मोड प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। बाकी जितने भी मैंने रोम के रिव्यू प्रोवाइड किए जो कि MIUI 12 के एंड्रॉयड 10 है, जहाँ पे रीडिंग मोड को इनेबल करने के बाद हमें जो कलर सैचुरेशन में आके उसे सेट करना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे इसका प्लस पॉइंट देखने को मिला है। वहीं पे जो आपको देखने को मिल जाता है सनलाइट का मोड, जो कि ऑटो ब्राइटनेस में दिया गया है। स्टेटस बार के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं आइकन स्टेटस बार में, जिसे आप सो एंड हाइड कर सकते हो, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, हेडफोन का, GPS का, ब्लूटूथ का और बाकी अदर का। लॉन्ग प्रेस पे आप जो नेटवर्क पे कुछ टाइप वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन कलर्स वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे इंटरवल स्पीड कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे जो मेंटेन कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे जो कैरियर लेवल लॉक पे, अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो रो एंड कॉलम आप मेंटेन कर पाओगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आप जो इसे में अच्छा खासा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे MIUI 11 ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन MIUI 12 की बात ही अलग है। तो आप जो भी पसंद चाहते हो करना उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया बस, समझ गए ना, बेटर है। ड्यूल नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप होगा, जैसे कि पोको A1 डिवाइस में मिलता है। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क को कलर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है वाईफाई वगैरह को और बाकी अदर ऑप्शन को। तो कलर के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो नेटवर्क स्पीड मीटर और टाइमिंग का जो फॉन्ट को जो स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हो, जो कि आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लार्ज करूँ तो आप देख पाओगे टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया है। इसे अगर मैं करूँ तो नेटवर्क का जो स्पीड मीटर है वो है जो लार्ज हो गया है। तो अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि जब मैं वीडियो दूं आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे जो वॉच करके बेनिफिट ले पाओ। साउंड के प्रोफाइल में आते हैं तो वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वीडियो प्रोफाइल आप सेट कर सकते हो अपने इनकमिंग कॉल वगैरह के लिए, जो कि काम करता है। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस रूम की ओर से, जो कि आप यूज कर सकते हो। साउंड इफेक्ट प्रॉपर वर्किंग है। और नोटिफिकेशन के एरिया में अगर हम आते हैं तो नॉर्मल से सिंपल सी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। वहीं पर होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ आइकन को सो एंड हाइड करने का ऑप्शन, सर्च बार इनेबल करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक का, और यहाँ पे जो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो अपने जो पावर मेनू का। तो अगर आप पावर मेनू प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कलर है, तो ये भी आप मेंटेन यहाँ पे कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रखना है या डिसेबल रखना है वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट है तो कर सकते हो। एक नया ऑप्शन मिलता है, डबल टैप पे और स्वाइप अप पे आप एक्शन डाल सकते हो, जैसे कि लॉक होना, साउंड आना, कॉलिंग, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा वगैरह के ऑप्शन सेट कर सकते हो। यहाँ पे जनरल ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि यू और बाकी अदर रूम में जो प्रोवाइड किया गया है। ग्लोबल आइकन एनिमेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
थीम का सपोर्ट आपको लेटेस्ट मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी लगी है वो है फिंगरप्रिंट का। इसका V2 का अपडेट आया है, फर्स्ट को भी मैंने अपडेट किया है, V1 को भी और V2 को भी अपडेट किया है। दोनों में मुझे जो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम आया है, तो अगर आपका गोडिक्स का फिंगरप्रिंट है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आपका नॉर्मल है तो आपको वर्किंग भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपके लिए वर्किंग है या नहीं। बट प्लस पॉइंट ये है कि आपका फेस अनलॉक यहाँ पे वर्किंग मिलता है, तो कोई भी इशूज नहीं आता है। और एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट की वजह से आपको ड्यूल फेस अनलॉक का भी फीचर्स मिल जाता है, तो आप ड्यूल फेस अनलॉक यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है, बट ये फीचर्स आपका जब काम करेगा, जब आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे, तो विदाउट है जो फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पासवर्ड इन के हुए फिंगरप्रिंट का यूज करते हुए अनलॉक कर सकते हो। लेकिन बैड न्यूज ये है कि हमारा फिंगरप्रिंट तो डिसेबल है, तो ये काम करेगा ही नहीं। तो ऑप्शन का होना और ना होना एक जैसा है। बैटरी बैकअप जितना भी मैंने यूज किया उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और चार्जिंग स्पीड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा है नॉर्मल ऑफिशियल रोम के कंपैरिजन में। एडिशनल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का फुल बेनिफिट, जहाँ पर आप नेबर वगैरह इनेबल कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे ओके गूगल का जो असिस्टेंट है ये भी जो प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हो कि ये काम करता है अच्छे तरीके से। तो आपको जो भी ऑप्शन यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज है जो कर सकते हो। यहाँ पे क्लीन स्पीकर देखने को मिल जाता है, नया फीचर जो कि नोट 10 के साथ में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, कि अगर आपके स्पीकर पे डस्ट चला गया है तो आप इसे ऑन कर देते हो तो ये सब कुछ है जो क्लीन कर देगा, बस आपको वॉल्यूम को जो फुल करना है, कुछ इस तरीके से। बट मुझे डाउट लगता है कि ये क्या है रियली में क्लीन कर पाएगा, क्योंकि साउंड जिस तरीके से स्वीट टाइप का उस तरीके से आई डोंट थिंक सो। बट आप बताना कि क्या ये रियली में वर्केबल है या नहीं। और यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, मूवर, साउंड इफेक्ट, फैक्ट्री सेट और बैकअप वगैरह का, जो कि परफेक्टली जो काम करता है, इनमें कोई भी इशूज नहीं आता है। लेटेस्ट आपको जो टाइमिंग देखने को मिलता है, फोकस मोड वगैरह, और यहाँ पे आपको जो फ्लोटिंग विंडो, वीडियो टूल बॉक्स और गेम टर्बो भी दिखाई देता है। एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट की वजह से आपको जो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो दिखाई देता है, API है जहां पे आप GK वगैरह भी यूज कर सकते हो PIP मोड के रूप में, या फिर आप जो फुल स्क्रीन भी इसे यूज कर सकते हो। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा जो कि यहां पे जो प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो कि मैं स्मॉल करूं, ये जो फ्लोटिंग विंडो में है जो हमारा कैमरा काम करता है, तो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा है इसका। वहीं पे इसके बाय डिफॉल्ट जो म्यूजिक प्लेयर है यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, सपोर्ट YouTube का जो कि वर्किंग है, बट मैं बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे कैमरा का जो UI है ओल्ड ही रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे 4K तक का वीडियो सपोर्ट मिल जाता है रिकॉर्डिंग का, जो कि आप 4K तक का कर सकते हो। जबकि जो लेटेस्ट UI का कैमरा आता है एंड्रॉइड 10 के MIUI 12 के साथ, उसमें तो ये सपोर्ट देखने को नहीं मिला था 4K का, बट यहाँ पे वर्किंग है। और साथ साथ यहाँ पे पोर्ट्रेट पिक्चर भी आपका वर्क कर रहा है, जबकि बाकी तो पोर्ट्रो में बग था। तो यहाँ पे इसका भी एक और प्लस पॉइंट मिलता है कि ये पोर्ट्रेट आपको जब पिक्चर क्लिक करके देता है तो आपको कोई भी इशूज नहीं आएगा पोर्ट्रेट वगैरह क्लिक करने में। तो ये मुझे जो इसका प्लस पॉइंट लगा कैमरे से रिगार्डिंग। वहीं पर जो आपको स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिसके चाइनीज ऐप वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं, डाउनलोडिंग स्क्रीन रिकॉर्डर और बाकी ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे पहले से ये प्री रूटेड मिल जाता है, लेकिन आपको नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास मिलेगा, तो नेट सेफ्टी से रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बैंकिंग का ऐप वगैरह भी यूज कर सकते हो। अगर नो सिम डिटेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दिया है कि कैसे आप फिक्स कर सकते हो। सुपर लाइव वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है इनेबल, जो कि वर्किंग है। वहीं पे जो अनट्रू का स्कोर है वो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, जहाँ पे आप गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और एंड्रॉइड 10 होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वॉइस चेंजर भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो कि अक्सर डिमांड करते हैं कि भाई वॉइस चेंजर यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो गाइज कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है और ये रोम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। बस एक बग लगा है, वो है फिंगरप्रिंट के सपोर्ट का। अगर आप इसे मैनेज कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, तो ये रोम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग रोम के रिव्यू आपको एवरी मॉर्निंग देखने को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।